जय हिंद दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में जो आपका इंटो का थर्ड ईयर का जो कोर्स है, इसमें क्या हम पढ़ रहे थे कि जो जितने भी आपके इस कोर्स में इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं उनके बारे में। तो पॉलीफेगस पेस्ट की जो कैटेगरी थी उसके अंदर आपके पांच पेस्ट थे, वो पांच हमने पढ़ लिए हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक एक करके क्रॉप के पेस्ट पढ़ने, ठीक है। तो फर्स्ट हम आज स्टार्ट कर रहे हैं जो वो है राइस के पेस्ट, ठीक है। राइस के आपके सिलेबस में तीन पेस्ट है, तीनों के बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है वो है ब्राउन प्लांट होपर, ठीक है। क्या है? ब्राउन प्लांट होपर। इसके बारे में शायद पता हो किसी को, किस स्टूडेंट को, कुछ स्टूडेंट को पता नहीं होगा, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो क्या ध्यान रखना है आपको, इसका साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम क्या है इसका? नीला पर्वता ल्यूजेंस, ठीक है। अब इस ये जो साइंटिफिक नेम है ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। किसी नाम की होगी तो मैं आपको बता दूंगा, बाकी ये सब याद करने पड़ेंगे। मैंने इसके लिए आपको पहले ही तरीका बता दिया कि आप इस तरीके से क्या है एक टेबल बनाइए जिसमें क्या है, जिससे आप रोज़ाना उसको लिखते रहिए और रिवाइज करते रहिए, जिससे क्या होगा आपको याद होता रहेगा। तो चलिए, ये हो गया साइंटिफिक नेम है इसका, नीला पर्वता ल्यूजेंस। एंड इसकी फैमिली जो है वो है डेल्फिसिडी, डेल्फिसिडी फैमिली है। और ऑर्डर है इसका हेमिप्टेरा। तो हेमिप्टेरा ऑर्डर का ये फर्स्ट पेस्ट आया अपने सामने। इससे पहले कोलियोप्टेरा का पढ़ा था और लेपिडोप्टेरा का आपने पढ़ा था, है ना। तो आइसोप्टेरा का पढ़ी थी दीमक, तो हेमिप्टेरा, ठीक है। होस्ट प्लांट की बात करें तो यहाँ अभी जो पहले हमने पढ़ा था पिछली क्लास तक, वहाँ क्या होस्ट प्लांट की जगह हम क्या लिखते थे कि ये क्या है, एक पॉलीफेगस पेस्ट है। और पॉलीफेगस पेस्ट जो होता है वो क्या है, किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप का नहीं होके बहुत सारी क्रॉप को जो क्या है नुकसान पहुंचाता है, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीफेगस पेस्ट। तो चलिए इसकी बात करें अगर, तो इसके लिए होस्ट प्लांट क्या हो जाएगा, राइस, ठीक है। ये क्या है, राइस का पेस्ट है। राइस के अंदर लगता है तो ये क्या है, इसका होस्ट मेनली क्या होगा, राइस का। अब बात करें इसके एबंडेंस की या कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो सीधी सी बात है जहाँ जहाँ जिस एरिए में क्या है राइस की खेती होती है वहाँ पे क्या है इसका अटैक होता है। जैसे बात करें बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, है ना। तो इस साइड क्या है इसकी जहाँ खेती होती है वहाँ पर इसका डैमेज होता है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ डैमेज की, ठीक है, नेचर ऑफ डैमेज की। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए नेचर ऑफ डैमेज के लिए कि इसकी लाइफ में स्टेज कितनी होती है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है या इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है। तो ध्यान रखना हेमिप्टेरा जो ऑर्डर है ना, आगे जहाँ भी आपको दिखाई दे, तो हेमिप्टेरा ऑर्डर में कितनी होती है लाइफ साइकिल में, तीन स्टेज होती है, ठीक है। कौन कौन सी तीन होगी, तो कौन सी होगी, एग निम्फ और एडल्ट। और अगर चार स्टेज होती है तो एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। तो इसकी लाइफ साइकिल में क्या है, तीन स्टेज होती है। कौन कौन सी, वही जो हमने पहले पढ़ा था, एग, निम्फ और एडल्ट, ठीक है। अगर बात करें नेचर ऑफ डैमेज की तो इसकी कौन सी स्टेज नुकसान पहुंचाएगी, तो इसकी जो निम्फ और एडल्ट दोनों स्टेज है, ये दोनों ही स्टेज क्या है नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। तो नेचर ऑफ डैमेज में क्या है, निम्फ एंड एडल्ट दोनों नुकसान पहुंचाती है। अब इसका जो डैमेज करने का है क्या, सही में क्या इसकी नेचर क्या है, कैसे डैमेज करता है, तो इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो डैमेज का मैं आपको बता दूं, सबसे पहले क्या करता है कि मान लो ये कोई लीफ है, ठीक है, ये कोई लीफ है, ये तो राइस की लीफ तो नहीं है, चलिए राइस की लीफ बनाते हैं। मान लो ये कोई लीफ है, राइस की लीफ है, ठीक है। ध्यान रखना ये जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये मान के चल रहा है ये क्या है, लीफ की लोअर साइड है, ठीक है। दो साइड होती है अपर साइड, तो ये क्या है, लोअर साइड है। तो इसकी जो सबसे पहले बात करेंगे एग लेइंग की, तो एग लेइंग कहाँ होती है, लीफ की लोअर साइड पे, ठीक है। जो लीफ है उसकी लोअर साइड पे क्या होती है इसकी एग लेइंग होती है, वो भी कहाँ, जो लीफ जो मिड वेन होती है ना ये वाली, इसके अलावा लीफ की जो वेन्स होती है ना, अंदर छोटी छोटी जो वेन्स होती हैं लीफ के अंदर, उन वेन्स के अंदर क्या होता है कि इसकी जो फीमेल है वो एग लेइंग करती है, इन वेन्स के अंदर, ठीक है, वेन्स के अंदर एग लेइंग करेगी। इसके बाद ये क्या करते हैं कि जो लीफ होती है, लीफ के जो टिश्यू होते हैं, है ना, यहाँ से ये क्या करेंगे, ये मान लो लीफ है, तो लीफ के अंदर जाके इसके टिश्यूज होते हैं, या बात करें जो मिड वेन जो होती है उसको क्या करेंगे, रब करेंगे, यानी कहने का मतलब उसमें पंच करेंगे, पिंच करने के बाद क्या है उसके अंदर घुसेंगे, तो उसको क्या होते हैं ये क्लोज कर देते हैं, यानी कि जो पाथ होता है जाइलम
और फ्लोएम, नाम सुना होगा जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं उसको क्या करते हैं, ये क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ऐसा ही लीफ के केस में होगा और ऐसा ही होगा जो स्टेम है ना। तो स्टेम के केस में भी क्या है, ऐसा ही होगा। मान लो ये स्टेम है, तना है, तो तने के अंदर भी क्या है, जो जाइलम और फ्लोएम का जो पाथ होता है उसको क्या करता है, ये बंद कर देता है। उससे क्या होगा कि अब जब प्लांट को न्यूट्रिएंट और वाटर की जो एब्जॉर्प्शन होता है, अगर वो ही बंद हो जाएगा तो उससे क्या होगा, प्लांट जो है वो सूखना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, सूखना, ऊपर से क्या है, आपको प्लांट मुरझाया हुआ नजर आएगा, ब्राउनिश कलर का हो जाता है पूरा जो फील्ड है अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या होगा, जैसे जैसे अब ये करेगा इसको है ना, नुकसान करेगा, तो उससे क्या होगा कि प्लांट सूखते जाएंगे और ऊपर का जो पार्ट होता है, मान लो ये कोई जो है प्लांट है, तो यहाँ ऊपर से क्या है, इसका जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये क्या होता है, ब्राउनिश कलर का नज़र आता है और दूर से देखने पर तो क्या है, फील्ड जो है वो ऐसा लगता है जैसे जला हुआ फील्ड है। ठीक है, तो इस जो है इस करेक्टर को क्या बोलते हैं, होपर बर्न सिम्टम बोलते हैं। ठीक है, होपर बर्न ये पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में आपको सीधा, क्या डेफिनेशन जो आती है वहाँ पे आपको सीधा पूछा जा सकता है, होपर बर्न ऐसा लिखा हुआ आएगा। तो उस केस में आपको क्या है, यही डेफिनेशन लिखनी है कि राइस का जो ब्राउन प्लांट जो होपर होता है वो क्या, या फिर मोस्टली हेमिप्टेरा ऑर्डर के जो पेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि लीफ जो होती है इसकी नेचर कैसी होती है, ये क्या करता है, शक करता है, यानी कि लीफ के अंदर क्या है अपनी प्रोबोसिस जो भी है ना उसको पंच करके उससे क्या होता है, लीफ शक जो सेप होता है उसको शक करता है, यानी कि जो रस है उसको चूसता है लीफ से भी और स्टेम से भी, है ना, दोनों से क्या है ये शक करता है, जो जूस होता है प्लांट के अंदर जो जूस कंटेंट होता है उसको शक करता है, तो उससे क्या है जाइलम फ्लोएम क्या है बंद हो जाते हैं और उससे क्या होता है प्लांट सूख जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, होपर बर्न सिम्टम बोलते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं, ये हो गया, ये क्या करता है, क्लोज जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम को बंद कर देता है। रप्चर पिथ, जो बीज की जो पिथ होती है ना, सेंट्रल पार्ट जो होता है किसी स्टेम का, स्टेम के तना जो है उसके बीज का जो सेंट्रल पार्ट होता है, या फिर लीफ के बीज का जो मिडवेन होती है उसका सेंट्रल पार्ट जो होता है उसको क्या करता है, ये रप्चर कर देता है, उसको ख़राब कर देता है, जिससे क्या होता है फील्ड जला हुआ नज़र आता है, ऊपर अगर उसके पास न्यूट्रिएंट ही नहीं पहुँचेंगे तो क्या होगा, वो प्लांट जला हुआ नज़र आएगा। आगे मैं आपको दिखाऊंगा फोटोग्राफ कैसा नज़र आता है। तो इसको क्या बोलते हैं, होपर बर्न सिम्टम बोलते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, हेमिप्टेरा जो ऑर्डर है ना, इस ऑर्डर की खास बात मैं आपको बताऊं, इसके निम्फ और एडल्ट दोनों नुकसान पहुंचाते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा एक चीज़ क्या है कि जो निम्फ या एडल्ट है ना, दोनों ही हैं। अब ये क्या है, जब नुकसान पहुंचाते हैं, कहने का मतलब कि ये लीफ है ना, ये लीफ हो गई, तो ये क्या करेंगे, लीफ से जब जो सेप है उसको शक करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इसके साथ साथ क्या है, ये जो इसका निम्फ जो होता है या एडल्ट जो होता है वो क्या करता है, एक लिक्विड का सीक्रेट करता है। ठीक है, एक लिक्विड स्त्राव करता है अपनी बॉडी से, उससे क्या होता है, ये लिक्विड जो है ये इसकी लीफ के ऊपर क्या होता है, चिपक जाता है। ठीक है, ये जो लीफ है इस लीफ के ऊपर वो लिक्विड जो चिपक जाता है, उससे क्या होगा फिर कि इसके अंदर मोल्ड लग जाएगी, यानी कि फंगस जो होती है, फंगस का अटैक हो जाएगा इससे। तो इससे क्या है, ये जो पेस्ट है इससे हमें डबल नुकसान होता है, ये खुद जो नुकसान कर रहा है वो तो कर ही रहा है, प्लस में क्या है, ये फंगस को बढ़ावा दे रहा है, इसके अटैक से क्या होता है, फंगस का अटैक स्टार्ट हो जाता है और इसके ऊपर जो भी लिक्विड ये सीक्रेट करता है उसके ऊपर, इसको बोलते हैं हनी ड्यू बोलते हैं, हनी ड्यू। तो इस हनी ड्यू के ऊपर क्या होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है हनी ड्यू, जिसके ऊपर क्या है फिर फंगस का अटैक स्टार्ट हो जाता है और फील्ड क्या है ब्लैकिश कलर का नजर आने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद फिर बात करें इसकी लाइफ साइकिल की, तो लाइफ साइकिल का मैंने आपको बता ही दिया, इसकी लाइफ साइकिल में कितनी स्टेज होगी, 3 स्टेज होगी। इसका मतलब क्या है, ये इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है इसके अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट अगर बात करें एग की, तो मैंने आपको बता दिया कि लीफ की जो मिडवेन होती है, लीफ की मिडवेन जो होती है उसके अंदर क्या है, ये अपनी एगलेइंग करती है, एगलेइंग की जाती है ग्रुप के अंदर। ठीक है, एगलेइंग की जाती है ग्रुप के अंदर। एक फीमेल जो वो है अपने लाइफ साइकिल में क्या है, 10 से 30 क्या है एगलेइंग, एग्स के ग्रुप्स वो है एगलेइंग करती है 10 से 30 ग्रुप में, और एक ग्रुप के अंदर क्या है लगभग 200 से 350 एग्स होते हैं, और एग का कलर कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट कलर होता है, वाइटिश नज़र आता है लेकिन क्या है ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। आपको देखोगे तो आपको लगेगा कि कोई ट्रांसपेरेंट चीज़ है या पारदर्शी चीज़, आगे डायग्राम आएगा मैं दिखाऊंगा आपको। फिर बात करते हैं निम्फ की, है ना, सेकंड जो स्टेज होती है निम्फ, निम्फ में क्या है
वाइट कलर के होते हैं स्टार्टिंग में, और साइज़ जो होता है बहुत छोटा होता है, 0.6 mm, ठीक है, 0.6 mm साइज होता है। बाद में क्या होता है, इनके लाइफ साइकिल में आगे से आगे मोल्टिंग चलती रहती है, लगभग 5 या 6 मोल्टिंग होती है। तो 5 मोल्टिंग होने के बाद एक तो क्या है, इसके कलर में चेंज आ जाता है, कलर कैसा हो जाता है इसका, ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है, जो इसका निम्फ है वो कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर का, प्लस उसका बॉडी साइज जो है वो बढ़ के 30 mm के आसपास हो जाता है। फिर बात करते हैं इसके एडल्ट की, तो एडल्ट में क्या है, कलर लाइट ब्राउन कलर का होता है, और इसके बाद बात करें इसकी बॉडी साइज़ की, तो एवरेज बॉडी साइज जो होता है वो 25 mm के आसपास होता है। और सेकंड इसकी बॉडी की बात करें तो बॉडी साइज़ कैसी होती है इसकी, वेज शेप बॉडी बोलते हैं इसको, वेज शेप कैसी होती है, वेज शेप मैं आप दिखा दूंगा आगे डायग्राम के अंदर, ठीक है। ये हो गया इसका लाइफ साइकिल। अब बात करें डायग्राम की, ये डायग्राम दिख रहा है सबको, तो इसमें क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, इसके एग्स है, ठीक है, ये क्या है, इसके एग्स है, दिख रहा है वाइट कलर के नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, इसका एडल्ट है, ठीक है, प्रोड कीट है इसका, निम्फ भी ऐसा ही होता है, साइज में छोटा होगा, ठीक है। ये जो लीफ आपको दिखाई दे रही है, इसी लीफ के ऊपर क्या करता है ये, इसके अंदर अपनी जो भी प्रोबोसिस है उसको पंच करके क्या करता है, उससे जो लीफ शेप जो होता है उसको सक करता रहता है, जिससे क्या होगा कि एक तो ये जो भी जूसी कंटेंट है उसको क्या है, सक कर लेगा, उससे क्या होगा, जाइलम फ्लोएम बंद हो जाएंगे, तो जो ऊपर जितना भी, कहने का मतलब जो चैनल है ना फूड और न्यूट्रिएंट का, तो वो बंद हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, प्लांट ऊपर से सूखने लगते हैं। ये दिखाई दे रहा है सबको, ये जला हुआ फील्ड दिख रहा होगा ना, जला हुआ सा दिख रहा होगा, ब्राउनिश कलर का फील्ड है ना। तो इसमें क्या है, आपको दिखा देता हूँ थोड़ा और जूम करके, है ना, ये दिख रहा है जला हुआ फील्ड। तो इससे क्या है, जो पूरा फील्ड है वो ऊपर से आपको ऐसा लगेगा कि जिसे जला दिया गया हो, है ना। तो ये किसकी, इसको क्या बोलते हैं, होपर बर्न सिम्टम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होपर बर्न, ये ध्यान रखना भाई, होपर बर्न बोलते हैं इसको। बस इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ यही है, ये तो बात करें जो स्टार्टिंग स्टेज में होता है ना, अगर स्टार्टिंग स्टेज में इसका डैमेज होता है तो इसको क्या बोलते हैं, होपर बर्न बोलते हैं। अब इसके बाद में क्या है, अगर मान लो फ्लावरिंग स्टेज में अगर इसका डैमेज हो, फ्लावरिंग स्टेज में इसका डैमेज होगा तो क्या होगा, जो भी क्या है, ग्रेन्स जो बन रहे हैं, है ना, दाने जो बन रहे हैं वो क्या होंगे कि दाने नहीं बनते हैं, और दाने नहीं बनने के बजाय उनके अंदर क्या, या तो वो खाली रह जाएंगे, ठीक है, या फिर क्या, अपूर्ण दानों का परिपक्व जो होता है निर्माण होता है उसके अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, फिर आइए इसका लाइफ साइकिल जो है, अभी मैंने आपको बताया था कितने टाइम का क्या होता है, इसको देख लो कि जो एग स्टेज जो होती है, फर्स्ट एग स्टेज, इससे क्या है 5 से 8 दिन के बाद क्या है, इसके अंदर से निम्फ बाहर निकल के आते हैं, 5 से 8 दिन के बाद निम्फ, और निम्फ से फिर क्या है 12 से 13 दिन बाद के एडल्ट बन जाता है, और एडल्ट क्या है, रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होने के बाद में 1 से 2 दिन बाद वापस क्या है, एग लेइंग स्टार्ट कर देता है। तो इसी प्रकार क्या है इसका, ये पूरा जो है साइकिल चलता रहता है। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है, क्यों, क्योंकि लाइफ साइकिल में क्या है इसकी 3 स्टेज होती है। फिर 5 to 8 जनरेशन पाई जाती है, 1 साल के अंदर क्या है इसकी 5 से 8 प्रजातियाँ पाई जाती है, और टोटल जो लाइफ साइकिल होता है इसका, वो एक जो लाइफ साइकिल है वो तो 18 से 23 दिन का होता है, ठीक है, 18 से 23 दिन के अंदर क्या है ये जो पूरा एक चक्कर है ये पूरा हो जाता है इसके लाइफ साइकिल का, ठीक है। अब बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की, ठीक है, मैनेजमेंट की बात करेंगे, तो सबसे पहले तो क्या है, लाइट ट्रैप, ये तो बहुत से पेस्ट में आपको देखने को मिलेगा कंट्रोल के लिए। लाइट ट्रैप का मतलब क्या होता है कि फील्ड के अंदर हम क्या करते हैं, फील्ड के अंदर क्या है एक ये यूनिट होती है, ठीक है, इसमें क्या है इस प्रकार से यहाँ नीचे बकेट रहती है, स्टैंड लगा रहता है, यहाँ क्या होता है कि जो लाइट लगी रहती है ना कोई भी, तो इससे क्या होता है जो इंसेक्ट है वो अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट होने के बाद क्या है वो यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट होने के बाद यहाँ जब टकराएंगे, है ना, तो इसके थ्रू क्या है यहाँ पे फनल लगी रहती है, इसके थ्रू फिर क्या है यहाँ जो बकेट है अपने पास, जो भी पात्र होता है इसके अंदर वो कलेक्ट हो जाते हैं, और यहाँ कलेक्ट होने के बाद क्या है इसके अंदर पहले से हम क्या करते हैं कोई भी केमिकल का मिक्सचर रखते हैं इसके अंदर, जिससे क्या होगा कि वो इंसेक्ट जो है वो डेथ हो जाती है, उसकी मर जाता है। एडल्ट जो इंसेक्ट होते हैं उनको पकड़ने के लिए मेनली काम में ले जाता है। फिर बात करें वीडिंग, तो वीडिंग भी ज़रूरी है। अब वीडिंग क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताऊं कि मान लो राइस की क्रॉप जो है वो हार्वेस्ट हो गई,
ठीक है। हार्वेस्ट होने के बाद अब ये लाइफ साइकिल तो इसका चलता रहता है, तो कुछ समय के लिए क्या है, निम्फिया जो इसकी एडल्ट स्टेज है वो क्या है, डाइपोज में चली जाती है, डोरमेंसी के अंदर चली जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि राइस की जब क्रॉप हार्वेस्ट हो गई, हार्वेस्ट होने के बाद फील्ड के अंदर जो भी वीड है या फिर जो भी स्टबल्स जो बचे हुए हैं, ये क्या करते हैं, अपनी लाइफ साइकिल उनके ऊपर पूरी करते हैं। ठीक है, मान लो राइस की क्रॉप को तो आपने हार्वेस्ट कर दिया, यहाँ कोई वीड है तो ये क्या करेगा, इस वीड के ऊपर तब तक जब तक कि दोबारा से आप राइस की क्रॉप वहाँ ग्रो नहीं करवाते, तब तक ये क्या करेगा, उस फील्ड जो है, उस फील्ड के अंदर जो भी राइस की जो भी वीड्स है उसके ऊपर अपना क्या है, लाइफ साइकिल चलाते रहते हैं। फिर बात करेंगे नेक्स्ट है रेजिस्टेंट वैरायटी। इसके लिए क्या कुछ रेजिस्टेंट वैरायटी यूज़ की जाती है जिनके अंदर क्या है, ये पेस्ट नहीं लगता है। तो बात करें फर्स्ट आ गई अरुणा, दिव्या, ज्योति, R650 या R1820 या फिर चंदन, ऐसी बहुत सी और भी वैरायटियां हैं जिनसे क्या है, इससे क्या होता है कि अगर इन वैरायटी को अपने ग्रो करते हैं तो इनके ऊपर इनका डैमेज नहीं होता है। फिर बात करेंगे फोलेज स्प्रे की, यानी कि स्प्रे की अगर बात करें फील्ड के अंदर, तो क्या है, इनमें से कोई भी, ये जितने केमिकल आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें से किसी एक केमिकल की एक क्वांटिटी आपको दी हुई है, और स्टैंडर्ड जो है वाटर की क्या होती है क्वांटिटी 500 लीटर एक हेक्टेयर के लिए, है ना, तो उसके अंदर क्या है इसको मिक्स करके स्प्रे किया जाता है। जैसे क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC हो गया, इमिडाक्लोप्रिड हो गया 17.8 SL, ब्यूप्रोफेजिन हो गया, एसीफेट हो गया और मिथाइल डेमेटोन 25 EC, ये क्या है, इन सब को क्या है, इनमें से किसी भी एक केमिकल का जो आपको ये क्वांटिटी दी गई है, इनमें से किसी भी क्या एक भी केमिकल को लेके उसको मिक्स करके वाटर के अंदर और पूरे फील्ड के अंदर जहाँ भी क्रॉप इसका पेस्ट का डैमेज हो रखा है वहाँ पर स्प्रे किया जाता है। फिर बात करें जो है सोइल को, सोइल के अंदर यानी कि जब हम फसल को ग्रो करवाते हैं, वीडिंग तो कर दी आपने, वीडिंग करने के बाद भी क्या है कोई इंसेक्ट की कोई स्टेज जो है वो हो सकता है डोरमेंसी के अंदर पड़ी हो सोइल के अंदर, तो उसके लिए क्या करते हैं, कार्बोफ्यूरोन जो है इसका 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से क्या करते हैं सोइल के अंदर पहले से क्या करते हैं उसको मिक्स कर देते हैं। तो मिक्स करने से क्या होगा कि अगर सोइल के अंदर भी इसकी कोई स्टेज है पहले से, है ना, तो वो भी क्या है ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है फर्स्ट जिस बात कर रहे थे हम रेड हेरिकेट ब्राउन प्लांट होपर की, है ना, ब्राउन प्लांट होपर। सेकंड जो पेस्ट है वो क्या है, राइस का येलो स्टेम बोरर। ठीक है, येलो स्टेम बोरर। अब येलो स्टेम बोरर में क्या है मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट जो अभी हमने पढ़ा था कौन सा, ब्राउन प्लांट होपर, उसके ऑर्डर कौन सा था, हेमिप्टेरा, लेकिन इसका ऑर्डर कौन सा है, लेपिडोप्टेरा, और लेपिडोप्टेरा ऑर्डर में आपको पता होना चाहिए कि इसका इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है या फिर कम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है, क्योंकि पहले भी हम पढ़ चुके हैं इस पेस्ट को, है ना, कौन से पढ़ा था, रेड हेरी कैटरपिलर जो पढ़ा था, है ना, तो उसके अंदर उसकी फैमिली भी यही थी, सॉरी ऑर्डर यही था। तो उसके अंदर क्या होती है, चार लाइफ साइकिल के अंदर चार स्टेज होती है, यानी कि क्या है ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या है। तो इसको सबसे पहले तो क्या है, या तो इसको राइस स्टेम बोरर बोल देते हैं, ठीक है, जो चावल का है तना भेदक जिसको बोलते हैं, या फिर इसको येलो स्टेम बोरर बोल देते हैं। ठीक है, दोनों ही नाम क्या है, इसके दोनों ही नाम है। अब बात करेंगे इसके साइंटिफिक नेम की, तो साइंटिफिक नेम जो होता है इसका वो क्या है, एक तो सर्पोफेगा इनसर्टुलस भी लिख सकते हैं आप, या फिर जो ट्राइपोराइजा इनसर्टुलेंस भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी नाम आप यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। फिर फैमिली की बात करें तो फैमिली इसकी है पायरोस्टिडी, और ऑर्डर है इसका लेपिडोप्टेरा। ठीक है, अब बात करेंगे इसके होस्ट प्लांट की, तो होस्ट प्लांट में वही सेम चीज़ है कि किसके क्रॉप के पेस्ट पड़ रहे हैं अपने, राइस की, और इसकी बात करें तो ये क्या है, राइस का मेजर पेस्ट है, येलो स्टेम बोरर जो है ये राइस का मेजर पेस्ट है। तो होस्ट क्या हो गया, राइस। अब बात करते हैं नेचर ऑफ डैमेज की। ठीक है, तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि इसकी कौन सी स्टेज नुकसान पहुंचाती है। चलो ये तो आपको पता चल गया कि लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है, तो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है उसके मतलब क्या है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है, और लाइफ साइकिल के अंदर क्या है चार स्टेज पाई जाती है, लेकिन इन चारों में से जो डैमेज जो करती है वो कौन सी स्टेज करती है, जो कैटरपिलर जो होती है, लार्वल जो स्टेज होती है, लार्वा जिसको बोलते हैं, लार्वल जो स्टेज होती है ये क्या करती है, इसमें डैमेज करती है, और लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का जो लार्वा होता है उसको क्या बोलते हैं, कैटरपिलर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कैटरपिलर नुकसान पहुंचाती है। अब कैटरपिलर के अंदर
सबसे पहले तो ये हो गया कि कौन सी स्टेज नुकसान पहुंचाती है, कैटरपिलर। लेकिन बात करें इसकी नेचर ऑफ डैमेज की, ठीक है, कि ये डैमेज करता कैसे है या फिर इसका डैमेज होता कैसे है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि, मैं बता देता हूँ आपको, इसका डैमेज जो है ये सबसे ख़तरनाक माना जाता है रेस के लिए। एक तो मेजर पेस्ट तो है ही है, प्लस क्या है, इसका जो डैमेज है वो नर्सरी से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि नर्सरी में जब राइस में देखा होगा, राइस की क्रॉप के बारे में पढ़ा होगा सबने, कैसे ग्रो होती है, सबसे पहले उसकी नर्सरी तैयार की जाती है ना, एक छोटे से एरिया में, फिर उस नर्सरी से क्या है, ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, उन प्लांट्स को ट्रांसप्लांट किए जाते हैं अपना जो मेन फील्ड होता है उसके अंदर, ठीक है। तो इसका जो डैमेज है वो नर्सरी से लेके राइपनिंग तक, यानी कि जब तक फसल पकती है तब तक क्या है, इसका डैमेज होता है। अब होता क्या है इसके डैमेज में, मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले क्या होगा कि जो भी इसका कैटरपिलर है ना, कैटरपिलर है जो, ये क्या करेगा स्टार्टिंग में, तो क्या है कि जो मान लो ये प्लांट है ना, तो इसकी जो लीव्स होती है ना, स्टार्टिंग में तो क्या करेंगे, लीव्स के ऊपर फीड करेंगे, ठीक है। और कैटरपिलर है, अब इसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें, जहाँ भी कैटरपिलर आपको दिखाई दे तो उसमें आपको एक चीज़ दिमाग में आनी चाहिए, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर की बात करें सबसे पहले, कि लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का कहीं भी नाम आए तो आपको दिमाग में सीधी आना चाहिए कि इसकी कौन सी स्टेज नुकसान पहुँचाती है, कैटरपिलर। और कैटरपिलर में सेकेंड चीज़ क्या है, इसकी नेचर कैसी होती है, तो इसके क्या है, मैंडिबल जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये कैसे नुकसान पहुंचाती है, ये पहुंचाती है काट के, यानी कि ये क्या, काटने और चबाने वाले मुखांग होते हैं इस कैटरपिलर के अंदर। तो ये क्या है, जो लीव्स वगैरह है उसके टिश्यूज वगैरह को खा जाती है, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये बाइटिंग चेबिंग, यानी काटने चबाने वाले मुखांग होते हैं, तो लीफ को कट करके उसको नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। तो बात करेंगे अब स्टार्टिंग में, तो क्या होगा कि कैटरपिलर की जो स्टार्टिंग वाली स्टेज होती है वो तो क्या है, लीव्स के ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है, लीफ के ऊपर अटैक करेंगे। फिर ये क्या करेंगे, धीरे धीरे लीफ पे, पहले तो लीफ को ऊपर से खाएंगे, फिर लीफ के अंदर इंटर होके, और जो प्लांट का जो स्टेम होता है ना, तना जो होता है, उस तने के अंदर ये क्या है, इंटर कर जाती है, ठीक है, तने के अंदर इंटर करेगी, होल बना के इस तने के अंदर। अब ये क्या करती है कि ये जो सेंट्रल शूट जो होती है, बीच वाला जो होता है तने का, बीच का सेंटर का जो पार्ट होता है ना, सेंट्रल शूट, अब देखा होगा आपने राइस का जो प्लांट है उसमें क्या है, एक साथ बहुत सारे शूट्स निकले हुए रहते हैं ना, तो ये क्या करता है, किसी भी एक शूट पे क्या करता है, सबसे पहले उसको क्या है, अंदर से उसका, मान लो ये शूट है, तो इसके अंदर वाला पार्ट है जो यहाँ से इंटर हो गया, तो इसके क्या है, अंदर वाला जो पार्ट है इसको वो फीड करता रहता है। अब इससे क्या होगा, जब ये शूट के अंदर का पार्ट ही खा गया, तो इससे क्या होगा कि ऊपर से कनेक्शन तो कट गया प्लांट का, तो इससे क्या होगा, ऊपर से जो है प्लांट वो येलोइश कलर का होने लग जाता है, पीला पड़ने लग जाता है, सूखने लगता है, ठीक है। इसकी वजह से फिर बाद में क्या है, ब्राउन कलर का होने लग जाता है, जला हुआ सा दिखाई देता है फील्ड, ठीक है। तो फिर क्या होता है, एक को खाने के बाद, एक शूट को, फिर ये क्या करता है, या तो इसी प्लांट की जो सेकेंड शूट है उसके ऊपर डैमेज स्टार्ट कर देगा, ठीक है, इसी प्लांट की क्या है, जो सेकेंड शूट जो होती है उसके अंदर इंटर करेगा, और उसको भी क्या है, अंदर ही अंदर से खाता रहेगा। और फिर, या फिर क्या है, जो सेकंड प्लांट है, कोई दूसरा पास का जो प्लांट है उसके अंदर जाएगी और उसके अंदर भी करती रहेगी। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, यानी कि ये स्टेम हो गया, तो स्टेम के सेंट्रल जो शूट है इसको खाता रहता है, ये सेंट्रल शूट को खाता रहता है, इससे क्या है, ऊपर का प्लांट जो है वो मुरझा जाता है, ठीक है, ये क्या है, मुरझा जाता है ना। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ये जो मुरझाया हुआ सा होगा ना, आपको आगे फोटोज में दिखा दूंगा मैं, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डेड हार्ट, क्या बोलते हैं इसको, डेड हार्ट। और ये ही पूछा जाता है अभी एग्जाम में, डेड हार्ट बोलते हैं इसको, इस सिम्टम को क्या बोलते हैं, डेड हार्ट सिम्टम। अब आपको एग्जाम में जो डेफिनेशन आएगी वो क्या लिखा हुआ आएगा आपको, सीधा जैसे मैंने होपर बन बताया था, तो दो नंबर की आपकी जो डेफिनेशन आती है ना, उसमें आपको सीधा लिखा हुआ आएगा होपर बर्न, तो उसके बारे में आपको लिखना है कैसे होता है, वैसे ही क्या है, डेड हर्ट लिखा हुआ आएगा, तो आपको बताना है कि डेड हर्ट होता क्या है, ठीक है, कौन से पेस्ट से होता है। वैसे तो बहुत सारे पेस्ट से होता है ये, लेकिन राइस के अंदर इससे होता है, ऐसे ही सोरगम के अंदर सूट फ्लाई से होता है, मेज के अंदर भी स्टेम बोरर से होता है, मोस्टली स्टेम बोरर से होता है। तो ठीक है, ये क्या करेंगे, स्टेम के अंदर इंटर करेंगे, सेंट्रल शूट को खाते रहेंगे, उससे क्या होता है, जो ऊपर की जो सेंट्रल जो शूट होती है, बीच की जो कलिका होती है ना, सेंट्रल वाली जो लीफ होती है, वो क्या है, मुरझा जाती है,
और क्या होती है, ब्राउनिश कलर की हो जाती है या येलोइश कलर की नज़र आने लग जाती है, उसको क्या बोलते हैं, डेड हार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये डेड हार्ट सिम्टम है इसका, जो आपका स्टेम बोरर है। ठीक है, डेड हार्ट मैंने बता दिया आपको डेड हार्ट क्या होता है। इसके बाद ये तो हो गया अगर स्टार्टिंग स्टेज में डैमेज करती है, वैसे ही अगर ये फ्लोरिंग स्टेज पे करती है, इसके दो सिम्टम है ना। अब अगर फ्लोरिंग स्टेज पे इसका अटैक होता है, फ्लोरिंग स्टेज पर अगर इसका डैमेज होता है, तो उससे क्या होगा कि जो भी ग्रेन्स जो बन रहे हैं ना, जो भी दाने बन रहे हैं ना चावल के, तो ये क्या करते हैं, या तो बनते नहीं हैं पूरी तरह नहीं बनने का मतलब क्या है कि या तो खाली रह जाएंगे या फिर क्या है, ये वाइटिश कलर के हो जाते हैं। ठीक है, बाद में क्या है, धीरे धीरे जो डफिंग स्टेज जो बोलते हैं, यानी कि जिसमें दानों में जो क्या है, मिल्किंग स्टेज जिसे बोलते हैं, दानों में दाने बनने जो स्टार्ट होते हैं, दाने भरने जब स्टार्ट होते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, अगर इसका डैमेज होता है तो ये क्या है, या तो ये रह जाते हैं खाली, है ना, या तो ये एम्प्टी रह जाएंगे, खाली रह जाएंगे, या फिर क्या है, ये हाफ भरते हैं, प्लस क्या है, ये वाइट कलर के नज़र आने लग जाते हैं, वाइटिश कलर का, यहाँ क्या है, वाइटिश कलर के आपको नज़र आएंगे। इसको क्या बोलते हैं, वाइट ईयर डिजीज बोलते हैं। राइस में जो स्पाइक्स जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ईयर ही बोलते हैं ना, राइस और वाइट के अंदर, है ना। तो ये ईयर जो है ये क्या है, वाइट कलर के होने लग जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वाइट ईयर डिजीज। वाइट ईयर जो सिम्टम है, अब यहाँ दो चीज़ें हैं ना, एक तो हो गया डेड हार्ट सिम्टम, एक हो गया वाइट ईयर। ये दोनों ही सिम्टम किसके द्वारा होते हैं, जो राइस का स्टेम बोरर जो होता है उसके द्वारा होते हैं। कैसे होते हैं, क्या सिम्टम होता है, कैसे दिखाई देते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद स्टार्ट करते हैं। ये हो गया फ्लोरिंग स्टेज में अगर हो तो क्या है, वाइट ईयर हो जाएगा। हाई नाइट्रोजन, यानी कि अगर जो प्लांट, जो भी क्रॉप है उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन का अगर क्या है उसके अंदर अप्लाई करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा अगर फील्ड में हम ज़्यादा डालेंगे, तो क्या है, इस पेस्ट का जो डैमेज है वो बढ़ जाता है, यानी कि इसके पेस्ट के आने के और इसके डैमेज करने के चांसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए क्या है, नाइट्रोजन की, अब यहाँ देखिए, यहीं से क्या है, इस पॉइंट को आप कंट्रोल में जब मैनेजमेंट करेंगे उस टाइम ये काम आएगा, क्या कि जो नाइट्रोजन है उसकी मात्रा क्या करनी चाहिए, हमेशा ही जो है एक लिमिटेड डोज रखनी चाहिए। ठीक है, ओवरडोज कभी नहीं देनी चाहिए। फिर बात करेंगे लाइफ साइकिल की, तो लाइफ साइकिल का मैंने आपको बताया कि कौन सा ऑर्डर है, लेपिडोप्टेरा। इसका मतलब क्या है, लाइफ साइकिल में चार स्टेज होती है। चार स्टेज कौन कौन सी होती है, एग लार्वा, प्यूपा और एडल्ट लार्वा को क्या बोलते हैं, कैटरपिलर, और इसकी डैमेजिंग स्टेज जो है वो भी क्या है, कैटरपिलर ही है। फिर नेक्स्ट है, चारों स्टेज बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले है एग, तो एग क्या है, ग्रुप में दिए जाते हैं। ठीक है, 50 to 80 एग होते हैं एक ग्रुप के अंदर, और दो से पांच ग्रुप दिए जाते हैं एक फीमेल के द्वारा, क्या है, दो से पांच ग्रुप में एग्स दिए जाते हैं, और एक ग्रुप के अंदर क्या है 50 to 80 एग्स होते हैं। अब जो एग होते हैं वो क्या है, ओवल शेप, यानी कि अंडाकार, है ना, ओवल शेप होते हैं एग्स जो है वो, ओवल शेप होते हैं, मिल्की वाइट। अब ये क्या है, कलर बता रहेगा, इसका क्या कलर क्या होता है, मिल्की वाइट कलर के होते हैं। और जो एग लेइंग होती है वो कहाँ होती है, लोअर साइड पे लीफ की जो मार्जिन होती है, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। मान लो ये लीफ है, ठीक है, ये लीफ है, ये इसकी क्या है, लोअर साइड है, है ना, नीचे वाली साइड है। तो इसमें क्या है, ये जो मार्जिन होती है, ये साइड वाली है ना, जो मार्जिन होती है, आगे डायग्राम आएगा, वैसे डायग्राम में आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये जो मार्जिन होती है, इन मार्जिन के पास, इस मार्जिन के पास यहाँ एग लेइंग की जाती है, ऐसे ग्रुप के अंदर ऐसे क्या है, आपको मार्जिन होगी दोनों, इन मार्जिन के पास क्या है, ऐसे आपको ग्रुप में दिखाई देंगे एग्स इसके, है ना। तो एग लेइंग होती है इसकी ऐसे, एट टिप यानी कि किनारों के पास में होती है लोअर साइड पे, जो बाद में फर्स्ट, पहले तो क्या होती है मिल्की वाइट, बाद में क्या है ये ब्राउन टू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं एग्स जो है। ठीक है, फिर आती है सेकंड स्टेज लार्वा, या जिसको बोलते हैं कैटरपिलर। तो स्टार्टिंग में ये क्या है, लाइट येलो कलर का होता है, ठीक है, लाइट येलो, बाद में क्या है ये वाइट कलर के हो जाते हैं, जो कैटरपिलर है वो बाद में वाइट कलर के दिखाई देते हैं। और 20 to 25 mm तक इनका क्या होता है,
साइज होता है, बॉडी लेंथ जो होती है 20 से 25 mm के आसपास। बाकी बॉडी तो क्या है आपको येलोइश वाइट कलर की नज़र आएगी, लेकिन जो हेड जो इनका है ना, सिर जो है वो क्या है, ऑरेंज येलो कलर का आपको नज़र आएगा। ऑरेंज यानी कि जो संतरा का कलर होता है ना, वैसा कलर आपको नज़र आएगा इसका हेड जो होता है। मोल्टिंग इसमें भी क्या है, 5 मोल्टिंग होती है, मोल्टिंग के बाद क्या है ये प्यूपा में बदलता है और प्यूपा के बाद फिर एडल्ट में बदलता है। अब प्यूपा में बदलने से पहले ये क्या करता है, मैं आपको बता दूँ एक चीज़ और, कि मान लो ये प्लांट है, ठीक है, ये इसकी सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, ये प्लांट हो गया, ये इसका स्टेम है, ठीक है, ऊपर लीव्स है, ठीक है। अब ये क्या है, प्लांट है, तो ये क्या करेगा, मान लो फील्ड के अंदर, राइस के अंदर आपने एक चीज़ देखी होगी कि राइस के अंदर ऐसा कहा जाता है कि फील्ड के अंदर 5 सेंटीमीटर तक वाटर क्या है हमेशा रहना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर तक पानी जो है वो फील्ड के अंदर भरा हुआ रहना चाहिए। तो मान लो अब हम बात करेंगे यहाँ तक, मान लो यहाँ तक क्या है पानी भरा हुआ है, या इस लेवल तक क्या है फील्ड में एवरेज पानी भरा हुआ रहता है, तो इसका जो ये लार्वा जो होता है या कैटरपिलर जिसको बोलते हैं, ये क्या करता है, ये क्या करेगा कि यहाँ जो वाटर लेवल होता है इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे क्या करेगा, एक एग्जिट होल बनाएगा, ठीक है, एक एग्जिट होल बनाएगा, यानी कि एक छेद करेगा इस जगह पे, वाटर जो होता है वाटर के लेवल से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर एक होल बनाएगा। होल बनाने के बाद क्या है, ये इस होल के अंदर कैटरपिलर कैसी होती है, ऐसी होगी कैटरपिलर, तो होल बनाने के बाद ये क्या है इसके अंदर एंटर होगी यहाँ पे, है ना, एंटर। पहले वैसे तो यहाँ होल बनाएगी, इससे पहले भी ये कहाँ होती है, स्टेम के अंदर ही तो होती है, डेड हार्ट जब बनाती है ना, स्टेम के अंदर से अंदर इस खाती रहती है, लेकिन कहने का मतलब प्यूपा में बदलने से पहले, लार्वा के बाद कैटरपिलर के बाद और प्यूपा में बदलने से पहले क्या करती है, जब लास्ट इंस्टार में होती है यहाँ पर एक छेद करती है, ठीक है। अब इस छेद को करने के बाद यहाँ अंदर ही अंदर क्या है, ये अपने चारों ओर कोकून बना के और क्या है प्यूपा में बदलती है, ठीक है। अब ये प्यूपा स्टेज ऐसी बनी रहती है। अब इसके बाद इससे जो एडल्ट बाहर निकल के आता है, जो प्रौढ़ कीट बाहर निकल के आता है, वो इसी छेद से जो ये होल इसने बनाया है, इसी होल के थ्रू क्या है वो फिर बाहर निकल के आता है ना। जो प्रौढ़ कीट है, मैं दिखा दूंगा आपको कैसा दिखता है, अभी डायग्राम बताऊंगा तब। तो ये क्या है, ये यहीं से बाहर निकलेगा, ये जो होल इसने बनाया ना पहले, इसी होल के थ्रू क्या है वो बाहर निकल के आता है। चलिए ये हो गया प्यूपा, एग्जिट होल, होल को क्या बोलते हैं, एग्जिट होल, क्या बोलते हैं इस होल को, एग्जिट होल। एग्जिट होल बनाती है और एग्जिट होल के थ्रू ही क्या है बाद में बाहर निकलते हैं। अपर साइड टू वाटर लेवल, यानी पानी का जो लेवल होता है ना, अभी मैंने बताया आपको पानी का जो लेवल होता है उस लेवल से, ठीक है, ऊपर की साइड एक एग्जिट होल बनाएगा, फिर सिल्की कोकून, सिल्क वर्म देखा, यानी कि रेशम का कोकून बनाएगा अपने चारों ओर, ये जो भी कैटरपिलर है, फिर क्या है उसी में क्या है ये जो है प्यूपा में बदलता है, येलोइश वाइट कलर होता है उसका विद ग्रीनिश टिंज, जिसके ऊपर क्या है थोड़ा सा हरापन लिए हुए होता है, होता कलर तो येलोइश वाइट होता है, लेकिन क्या है थोड़ा सा हरा रंग, हरियाली लिए हुए होता है, और 13 mm तक इसकी लेंथ होती है। फिर इसके बाद जो एडल्ट है, जो प्रौढ़ कीट बाहर निकल के आता है जो एग्जिट होल से, वो क्या है लाइट येलो कलर का होता है, ठीक है। माउथ पार्ट्स जो होते हैं ये क्या है, इसके दिखने में कैसा दिखता है मैं आपको बता देता हूँ, अभी फ़ोटो आएगी वैसे तो आगे आपको फ़ोटो से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। माउथ पार्ट जो है ये आगे क्या है नुकीले होते हैं, आगे की तरफ क्या है पिन लाइक होते हैं, नुकीले होते हैं आगे की तरफ, और बॉडी जो है आपको वो ऐसी दिखाई देगी इसकी, ठीक है, अभी डायग्राम में और आपको कन्फर्म हो जाएगा। माउथ पार्ट्स क्या अपवर्ड ऊपर की तरफ रहते हैं, थोड़े से उठे हुए रहते हैं बॉडी से, और पिन लाइक यानी कि नुकीले होते हैं आगे से, 15 mm तक का इसका बॉडी साइज होता है। फिर क्या होता है, फीमेल और मेल में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि जो फीमेल्स जो होंगी ना, उसकी जो फोरविंग होती है आगे वाली जो पंख होते हैं उसके ऊपर क्या है एक ब्लैक कलर का
ब्लैक कलर का एक स्पॉट होता है यहाँ पे, जो विंग्स होती है इसके ऊपर क्या है, ब्लैक स्पॉट दिखाई देगा आपको, है ना। ये स्पॉट पाए जाते हैं इसके फोर विंग्स पे। ये किस में होंगे, सिर्फ फीमेल में। अगर बात करें मेल्स की तो उस कैटेगरी में क्या होगा, ऐसे नहीं होंगे, लेकिन उसकी विंग्स जो है, उसके जो पीछे वाला जो हिस्सा होता है विंग्स का, जो मार्जिन होती है, वहाँ पे क्या ऐसे छोटे छोटे ब्लैक कलर के बहुत सारे डॉट्स दिखाई देते हैं। ये इसकी क्या है, पहचान है येलो स्टेम बोरर की, ठीक है। ब्लैक स्पॉट ऑन फोर विंग्स किसके अंदर होती है, फीमेल के अंदर, मेल के अंदर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये देखो, ये दिख रहा है आपको डायग्राम में, ये जो है ना, ये क्या है, इसके एग्स हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको। तो ये क्या है, लीफ मार्जिन के पास ये दिखाई दे रहा है, ये क्या होगी, लीफ की मार्जिन। इसके पास में क्या है, ग्रुप में बहुत सारे एग्स दिए जाते हैं, और ये क्या है, बाद में इसको क्या हेयर से कवर किया जाता है। एग्स जो है ये वाइट कलर के हेयर से क्या रहते हैं, कवर रहते हैं। इसके बाद ये दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, इसका लार्वा या कैटरपिलर जिसको बोलते हैं, वो ये स्टेज है, दिखाई दे रहा है। ये क्या है, स्टेम, एक स्टेम को ये क्या है, बीच में से काटा गया है ऐसे दिखाने के लिए। तो ये क्या है, स्टेम था पूरा, और इसके बीच में से ये क्या है, खाता रहता है, जिससे क्या है, बाद में डेड हर्ट सिम्टम बनते हैं। तो ये हो गया इसका कैटरपिलर। अब ये दिखाई दे रहा है डेड हर्ट, डेड हर्ट जो सिम्टम है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। अब यहाँ दो टाइप के शूट्स हैं, देखिए, ये जो है नॉर्मल, इसकी बात करें तो ये क्या है, एक नॉर्मल शूट है, ठीक है, नॉर्मल, यानी कि ग्रीनिश कलर की दिखाई दे रही है। लेकिन ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, वाइट कलर की दिख रही है आपको, ये क्या है, येलोइश कलर की होती है, येलोइश वाइट। ये क्या होता है, डेड हर्ट बनने की वजह से क्या होता है, ये सेंट्रल जो शूट होती है, बीच की कलिका जो होती है, वो सूख जाती है, जिसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। अब मैं बता रहा था आपको इसको, इसके जो भी फीमेल और जो मेल है, तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, इसकी फीमेल है। मैंने अभी बताया ना आपको कि फोर विंग जो होती है, आगे वाली जो पंख होती है, उसके ऊपर क्या है, ये दिखाई दे रहा है ब्लैक स्पॉट्स। यहाँ क्या है, ब्लैक स्पॉट्स होते हैं। और ये जो है मेल जो होता है, इसके क्या, फोर विंग के लास्ट हिस्से पे क्या है, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं ब्लैक कलर के, ठीक है। तो ये होगी इसकी पहचान, एग प्यूपा, सॉरी एग जो है कैटरपिलर स्टेज, और एडल्ट दोनों हो गए, मेल फीमेल, एंड डेड हर्ट जो सिम्टम है वो कैसा दिखाई देता है, ठीक है। फिर आगे इसकी लाइफ साइकिल की स्टेज, तो अभी मैंने आपको बताया क्या है, एक तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है। अब कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है, इसका मतलब क्या है कि लाइफ साइकिल में चार स्टेज होती है। एग जो स्टेज होती है 5 से 8 दिन की, 5 से 8 दिन बाद क्या इससे लार्वा निकलता है, या कैटरपिलर जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये कैटरपिलर जो है 18 से 30 दिन के बाद किस में बदल जाता है, प्यूपा में बदल जाता है, और प्यूपा से 7 से 10 दिन के बाद वापस से क्या है, एडल्ट बनता है, और एडल्ट में रिप्रोडक्शन होने के बाद 2 से 3 दिन बाद में वापस क्या है, ये एग लाइंग स्टार्ट कर देते हैं। इसी प्रकार से इनका साइकिल चलता रहता है। एक जो लाइफ साइकिल होता है इनका, वो क्या है, एक लाइफ साइकिल जो होता है वो 35 to 51 days का होता है, एक कंप्लीट जो लाइफ साइकिल है। और इसकी बहुत सारी जनरेशन जो है, एक साल के अंदर बहुत सी जनरेशन पाई जाती है, एक जनरेशन पूरी होने के बाद दोबारा से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की, ठीक है। तो मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट में मैं आपको बताऊं, फर्स्ट है फील्ड सैनिटेशन, ठीक है। अब फील्ड सैनिटेशन का मतलब क्या क्या है, रेजिड्यू से है, यानी कि जो क्रॉप जो है, क्रॉप के अंदर बाद में क्रॉप की हार्वेस्टिंग होने के बाद जो स्टबल बच जाते हैं क्रॉप के अंदर, है ना, जो अवशेष बच जाते हैं, ये क्या करते हैं, इनकी जो लार्वल स्टेज जो होती है कैटरपिलर, या फिर बात करें जो प्यूपा वगैरह है, वो क्या करते हैं, इनके अंदर छुपे हुए रहते हैं, ठीक है। तो क्रॉप हार्वेस्ट होने के बाद ये क्या करते हैं, इनके ऊपर अपनी शरण लेते हैं, तो जिससे के आगे से आगे अपना जो है, जैसे ही वहाँ वीड भी उगेंगे अगर, या फिर नेक्स्ट क्रॉप जब आप लोगे, तो वो ये क्या करते हैं, वापस से अपना लाइफ साइकिल स्टार्ट कर देते हैं। इसकी भी क्या है, जो कैटरपिलर स्टेज होती है या फिर एडल्ट जो स्टेज होती है, वो क्या करती है, डोरमेंसी में रहती है। फिर डिस्ट्रॉय एग्स, फील्ड विजिट करेंगे,
फील्ड जो राइस की क्रॉप है आप वहाँ पे जाके रेंडमली कुछ प्लांट को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद उनकी लीव्स को अच्छे से देखिए, ठीक है, टर्न करके, क्योंकि लोअर साइड पे होते तो लीफ को आप जब पलट के देखेंगे लोअर साइड से, अगर आपको किनारों के पास में कहीं भी एग्स दिखाई दे, है ना, तो हम क्या करते हैं, उन लेग जो लीव्स जो होती है उनको हटा देते हैं, वहाँ से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लाइट ट्रैप का यूज़ करते हैं, लेपिडोप्टेरन मोस्टली लेपिडोप्टेरन पेस्ट जितने भी हैं उनके लिए लाइट ट्रैप का यूज़ करते ही हैं। तो लाइट ट्रैप करेंगे यानी कि इनको एडल्ट जो है उनको पकड़ने के लिए। फिर रेजिस्टेंट वेराइटी की बात करें तो जया रत्ना IR20 और IR26 जो वेराइटी है इनको यूज़ किया जाता है एज ए क्या है, रेजिस्टेंट वेराइटी। फिर बात करेंगे फोलियस स्प्रे की, तो स्प्रे में ये कुछ केमिकल्स है, ट्राइजोफोस, क्विनोलफोस, कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड, एसीफेट हो गया, और क्लोरेंटोनिलीप्रोल है 18.5 एसी। इनसे इन सब का क्या है, ये डोज आपको दे रखी है, ये डोज है, इनमें से किसी भी एक केमिकल को हम क्या करते हैं, एवरेज 500 लीटर पानी के अंदर घोल बना के उसका फील्ड के अंदर स्प्रे की जाती है, जिससे क्या है इसको कंट्रोल किया जा सके। अगर एक बार में नहीं हो तो क्या करता है, जो डोज है उसको रिपीट करते हैं। फिर बात करें अब बायोलॉजिकल कंट्रोल की, ये तो हो गया केमिकल, तो इसके लिए क्या है बायोलॉजिकल भी क्या कुछ अप्रोच दी गई है। जैसे बीटी क्रस्टे की जो वेराइटी होती है ना, बीटी की जो क्रस्टे की स्पीसीज होती है उसको यूज़ किया जाता है कंट्रोल के लिए। इसके अलावा ट्राइगोग्रामा जेपोनिकम, ट्राइगोग्रामा जो है, ट्राइगोग्रामा क्या है, इंसेक्ट जो है, एग पेरास्टोइड है ना, एग पेरास्टोइड है, तो उस ट्राइगोग्रामा की जो जेपोनिकम स्पीसीज होती है उसका यूज़ किया जाता है इसके अंदर। वो क्या है, एग पेरास्टोइड होता है, यानी कि इसके जो भी एडल्ट्स होंगे वो क्या करेंगे, ये जो स्टेम्बोरर है इसके एग्स जहाँ दिखेंगे फील्ड में, ये क्या करते हैं उन एग्स से, मान लो ये क्या है इसका एग है स्टेम्बोरर का, तो ये क्या करता है, ये इस एग के ऊपर क्या करता है, एग के ऊपर अपने एग्स दे देता है। ये क्या करता है, पेरास्टोइड जो है इसके एग के ऊपर अपने एग्स दे देता है, इसको पेरास्टाइज कर देता है, जिससे क्या होता है, इससे क्या है वो जो निम्फ बाहर, सॉरी जो कैटरपिलर बाहर निकलते हैं वो नहीं निकल पाते, लार्वल स्टेज नहीं निकलती, ठीक है, इसको पेरास्टाइज कर देते हैं, तो इसको एग पेरास्टोइड के रूप में यूज करते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं पेरास्टोइड को, परजीवयाब। तीन चीज़ होती है ना, पैरासाइट परजीवी हो गया, पेरास्टोइड परजीवयाब, और एक होता है प्रीडेटर जिसको बोलते हैं परभक्षी। तो ये क्या है, एक एग पेरास्टोइड है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे राइस हिस्पा की, है ना, थर्ड पेस्ट है राइस में, आपके तीन ही पेस्ट है, थर्ड कौन सा है, राइस हिस्पा, इसको स्पाइनी बीटल भी बोलते हैं, ध्यान रखना, इसको स्पाइनी बीटल के नाम से भी पूछ सकते हैं। तो स्पाइनी का मतलब क्या हो गया, स्पाइन्स यानी कि कांटे रहेंगे, तो इसकी बॉडी के ऊपर क्या है बहुत से कांटे निकले रहते हैं। और बीटल ध्यान रखना, आपको मैं ऑर्डर का मैं वो बता दूँ आइडेंटिफिकेशन के लिए, कहीं भी आपको बीटल या विविल लिखा हुआ दिखे किसी भी पेस्ट के नाम के पीछे, आपको जैसे आपके स्टोरेज पेस्ट में आएगा राइस विविल, तो विविल या बीटल जिस भी पेस्ट के पीछे आपको दिख जाए लगा हुआ, वो क्या होगा, कोलियोप्टेरा ऑर्डर का होगा, ठीक है। वो पेस्ट कौन से ऑर्डर का होगा, कोलियोप्टेरा ऑर्डर का। जैसे कि यहाँ आपको याद नहीं रहता है, या राइस हिस्पा नहीं देखे आपको, सीधा पूछ ले स्पाइनी बीटल, तो स्पाइनी बीटल, बीटल का नाम आते ही आपको इतना दिमाग में आना चाहिए कि ये क्या है, कोलियोप्टेरा ऑर्डर का पेस्ट है। अब कोलियोप्टेरा ऑर्डर का पेस्ट है इसका मतलब क्या है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है, और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है इसका मतलब क्या है, लाइफ साइकिल में चार स्टेज होगी। अब चार स्टेज होगी, उनमें से डैमेजिंग स्टेज कौन कौन सी होती है कोलियोप्टेरा में, ग्रब और एडल्ट दोनों, लार्वा को क्या बोलते हैं, ग्रब बोलते हैं ना, तो ग्रब और एडल्ट दोनों स्टेज क्या है इसकी, नुकसान पहुँचाती है। तो ये इतनी चीज़ें हैं, यानी कि आपको एक बार थोड़ा सा हिंट मिलने के बाद ये पूरा जो है सर्कल आपके माइंड में चलना चाहिए। इससे क्या होगा, बाई चांस आपको कुछ याद नहीं आता है एग्ज़ाम में, तो कम से कम आपको इतना तो ध्यान रहे कि ये है क्या। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ऑर्डर तो बता दो कोलियोप्टेरा और उसके अंदर लाइफ साइकिल में स्टेज बता दो तीन ही, उसमें निम्फ होता ही नहीं है, आप उसमें निम्फ और एडल्ट शो कर रहे हो, तो वहाँ क्या होगा, आपको कोई मार्क्स नहीं मिलता है, वो पूरा क्वेश्चन जो है आपका गलत हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इनको तो ज़रूर ध्यान रखना भी है ना, ये हो गया। अब ऐसे ही क्या है, अगर आपको कैटरपिलर कहीं भी लिखा हुआ दिखे, ठीक है, कैटरपिलर कोई भी पेस्ट के पीछे लिखा हुआ दिखे, तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सा है, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का पेस्ट है, ठीक है, इतना ध्यान रखना, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का है, इसका मतलब इसमें भी कंप्लीट लाइफ साइकिल होता है, और लाइफ में चार स्टेज होती है, और नुकसान करने वाली स्टेज कौन सी होती है, कैटरपिलर स्टेज होती है, ठीक है। ऐसे ही और जब आगे आएंगे तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ऐसे ही हॉपर, जैसे हमने पढ़ा था ना अभी, सॉरी
ब्राउन प्लांट होपर, तो होपर जो है वो सारे किस में आएंगे, हेमिप्टेरा ऑर्डर में आएंगे। और हेमिप्टेरा ऑर्डर में आएंगे, ये क्या होता है, इनकम्प्लीट लाइफ साइकिल होता है। लाइफ स्टेज में तीन स्टेज होती है ना, एग, नीम्फ और एडल्ट। और नीम्फ और एडल्ट दोनों नुकसान पहुंचाते हैं। और प्रवृत्ति क्या होती है नुकसान पहुंचाने की, वो क्या करते हैं, लीफ और प्लांट से क्या है, सेप को यानी कि रस को चूसेंगे, उससे क्या होता है, हनी ड्यू सीक्रेशन होगा और वहाँ पर फंगस और लग जाएगी। तो ये सब, ये हर पेस्ट में आएगी, हेमिप्टेरा पेस्ट का कोई भी पेस्ट आएगा ना हेमिप्टेरा ऑर्डर का, तो उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें कॉमन आएगी। उसमें क्या है, सारे क्या करेंगे, लीफ से सेब को शक करेंगे और सभी के सभी क्या करेंगे, जो है उसके अंदर हनी ड्यू का सीक्रेशन करेंगे, जिससे क्या है वो शूटी मोड लग जाती है, फंगस लग जाती है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसकी स्पाइनी बीटल की। तो इसमें क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है इसका, डाइक्लोडिस्पा आर्मीजेरा। डाइक्लोडिस्पा आर्मीजेरा इसका साइंटिफिक नेम है। फैमिली है इसकी क्राइजोमेलिडी, क्राइजोमेलिडी। और ऑर्डर है कोलियोप्टेरा। ठीक है, अब बात करें होस्ट प्लांट की, तो मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ कि कौन सी क्रॉप का है, राइस का है ना, राइस के पेस्ट पड़ रहे हैं। तो इसका जो होस्ट होगा वो कौन सा होगा, राइस। और हर वो एरिया जहाँ पे राइस की क्रॉप होती है उन सब में क्या है इसका अटैक होगा। फिर बात करते हैं नेचर ऑफ डैमेज की, तो कोलियोप्टेरा ऑर्डर के अपने पहले भी कुछ पेस्ट पड़ चुके हैं ना, वाइट ग्रब जैसे पड़ा था। तो इसमें दोनों स्टेज, कौन कौन सी, ग्रब और एडल्ट दोनों जो स्टेज होती है वो क्या होती है, नुकसान पहुंचाती है, फर्स्ट चीज़। तो ये अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये स्पोरेडिक पेस्ट है। ठीक है, अब स्पोरेडिक क्या होता है, पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो चलिए मैं बता देता हूँ। स्पोरेडिक का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं छिटपुट शायद, है ना, यानी कि जिसका डैमेज बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम एरिए में और कहीं कहीं ही देखने को मिलता है, हर जगह नहीं मिलेगा आपको, बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन क्या है, ये जब डैमेज करता है तो हो सकता है कि किस सीवियर लेवल तक डैमेज करे, ये फिक्स नहीं होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ये क्या है, स्पोरेडिक पेस्ट है, डैमेज इतना ज़्यादा नहीं होता इसका। अब ये क्या है, इसका डैमेज होता कैसे है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो डैमेज होता कैसे, इसका लीफ जो है ना, मान लो ये लीफ है राइस की, है ना, तो ये क्या करेगा, चलिए इसको तो रहने दीजिए, मैं बता देता हूँ। ये लीफ होगी, ठीक है, राइस की। तो ये क्या करता है, इस लीफ के अंदर जो टिश्यू होते हैं ना, लीफ टिश्यू को फीड करता है, ये लीफ टिश्यू को फीड करेगा। उससे क्या होगा, सबसे पहले तो बात करेंगे इसकी एग लेइंग की, है ना। तो एग लेइंग इसकी कैसे होती है कि जो सबसे पहले क्या करेगा, लीफ की लोअर साइड में, ठीक है, लीफ की लोअर साइड में एक टनल बनाएगा। टनल का मतलब क्या है, सुरंग बनाएगा स्क्रैप करके, यानी कि उसको कुतर के ऐसे क्या करेगा, एक टनल बनाएगा। उस टनल के अंदर ही क्या करता है, ये जो है एग लेइंग करता है। और एग लेइंग इसकी कहाँ होती है, जो टिप वाला, जो सिरे वाला भाग होता है ना, वहाँ पर होता है मोस्टली इसकी एग लेइंग होती है, ऐसी जगह पर, है ना, ऐसे टिप वाली जगह पर, आगे का जो सिरा होता है वहाँ होती है इसकी एग लेइंग। और अब होता क्या है, एग लेइंग करने के बाद इसके जो ग्रब्स बाहर निकलेंगे, है ना, जो लार्वल जो स्टेज होती है बाहर निकलेंगी, वो क्या करेगी, वो लीफ में क्या करती है, टिश्यू को खा के और यहाँ पर क्या करती है, टनल बना देती है। ये क्या करेगी, ऐसे फीड करेगी, है ना, तो फीड करती करती ऐसे क्या है, टनल बनाएगी एक, और खाती क्या है, ये क्लोरोफिल को फीड करती है, यानी जो ग्रीन पार्ट जो होता है लीफ का, उसको फीड करती है, जिससे क्या होता है, आपको जगह जगह पे क्या है, वाइट स्ट्रिप्स दिखेंगे, यानी कि सफ़ेद रंग की आपको चकते दिखाई देगी, ऐसे दिख रहा है डायग्राम में, बिल्कुल ऐसे ही क्या है, आपको जगह जगह पे क्या है, अलग अलग वाइट कलर की आपको क्या है, स्ट्रिप्स दिखाई देंगी। ठीक है, इनको इससे क्या होता है कि, यानी कि फीड किसको करते हैं, फीड करते हैं ये क्लोरोफिल को, क्लोरोफिल वाला पार्ट जो होता है, यानी कि जो ग्रीन पार्ट जो होता है सिर्फ उसको फीड करते हैं। उससे क्या बाद क्या होता है, लीफ जो रहती है वो क्या है, सिर्फ येलोइश कलर की रह जाती है, और जगह जगह पे आपको क्या है, वाइट कलर के ऐसे चकते दिखाई देंगे। प्लस क्या होता है, इसकी जो मार्जिन होती है ना, मार्जिन साइड में यहाँ क्या है, आपको एक येलो कलर का ब्लिस्टर दिखाई देता है, एक फफोला सा दिखाई देगा। ये सब क्या है, इसके डैमेजिंग सिम्टम है, ये डैमेज कैसे करता है, उन सब के ये क्या है, सिम्टम है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, टनल बनाएगा उसके अंदर, उसके अंदर ही क्या है, फीड करेगा उसको, और उसके अंदर एगलिंग करता है। एगलिंग होती है टिप के ऊपर, और टनल के थ्रू क्या है, ये स्क्रैपिंग फीड कैसे करता है, स्क्रैपिंग करके, यानी कि जो है
क्लोरोफिल वाला जो हरा जो पार्ट होता है उसको प्रॉपर से क्या है स्क्रैप करके या बात करते हैं जिसको कुतर कुतर के ये क्या है खा जाता है, जिससे क्या है बाद में वाइटिश कलर की आपको क्या है स्ट्रिप्स दिखाई देती है लीफ के ऊपर। आगे डायग्राम आएगा उसमें और क्लियर हो जाएगा। और क्या है कॉर्नर जो होती है टिप जो होती है वहाँ पर क्या है एक येलो कलर का ब्लिस्टर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हो गई स्पोरेडिक पेस्ट हो गया। अब यहाँ देखो लिखा है ग्रब्स मेक टनल, यानी ग्रब जो होते हैं वो क्या करेंगे टनल बनाएंगे इन लीव्स, पत्तियों के अंदर क्या करेंगे टनल बनाएंगे। येलो ब्लिस्टर ऑन टिप, येलो ब्लिस्टर येलो कलर का आपको एक फफोला दिखाई देता है जो टिप वाली मार्जिन होती है ना वहाँ पे। फिर ऑफ लीव्स फीड क्लोरोफिल, किसको फीड करता है ये क्लोरोफिल को, खाता किसको है क्लोरोफिल को। इससे क्या होगा प्लांट की जो हाइट है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, प्लांट की जो हाइट है वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी और टिप ड्राइड, और जो ऊपर वाला जो सिरा होता है ना सिरे वाले प्लांट के जो भी है लीफ के जो भी मार्जिन होती है टिप वाली वो सब क्या है सूख जाती है, ड्राइड सूखी हुई दिखाई देगी। ये सब क्या है इसके डैमेजिंग सिम्टम है। ठीक है, अब बात करें इसके लाइफ साइकिल की, तो ऑर्डर कौन सा है मैंने आपको बताया कोलियोप्टेरा है ना, कोलियोप्टेरा ऑर्डर है इसका। मतलब क्या है चार स्टेज होगी, चार स्टेज होगी तो मतलब क्या है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा। लाइफ साइकिल में चार स्टेज होगी और डैमेजिंग स्टेज कौन सी होती है ग्रब और एडल्ट। बस ये कॉमन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में आनी ही चाहिए इस ऑर्डर का नाम सुनते ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये है इसके स्टेज जो अपने बात कर रहे थे, तो एग लेइंग मैंने आपको बताया, तो एग कहाँ पहली बात तो ये क्या है सिंगली, यानी कि एग्स जो दिए जाते हैं वो एक एक करके कतार में एग्स दिए जाते हैं। फिर नियर टिप जो सिरा जो होता है लीफ का वहाँ पे लोअर साइड पे इन टिश्यूज़, यानी कि टिश्यू जो होते हैं ये क्या करते हैं जो अपना बात करें जो फीमेल होती है ना ये क्या करती है एब्डोमन को अपने को या उसके अंदर लीफ जो टिश्यू होते हैं उसको स्क्रैप करके वहाँ पे क्या करती है टिप वाला जो पोर्शन है वहाँ पे एगलिंग करेगी, और एगलिंग की जाती है 30 से 100 तक और सिंगली, यानी कि एक एक करके ऐसे एग्स दिए जाते हैं इसके, है ना, ग्रुप में नहीं दिए जाते जबकि क्या है सिंगली दिए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रब की, नेक्स्ट जो स्टेज है। तो ग्रब क्या है येलोइश कलर का होता है फर्स्ट, तो तीन मोल्टिंग होती है। और इस पेस्ट की खास बात ये है कि इसके 90% जो है ना 90% तक जो ग्रब्स होते हैं वो डेथ हो जाती है उनकी या सर्वाइव नहीं कर पाते। ओनली 10% ही ग्रब्स ऐसे होते हैं जो क्या है मेनली डैमेज करते हैं प्लस क्या है जो प्यूपा में बदलते हैं। लिखा हुआ ना ओनली 10% जो है ग्रब्स ऐसे होते हैं जो आगे चलकर प्यूपा में बदलते हैं और उनसे फिर एडल्ट बाहर निकलता है। फिर बात करेंगे प्यूपल स्टेज की, तो प्यूपा कहाँ बनता है इनका, जो मान लो ये लीफ है जो है लीफ के अंदर इन्होंने जो टनल बनाई है ना जो टनल बनाई है इसी टनल के अंदर ही क्या है ये यहाँ पे प्यूपा में बदलता है। ठीक है, फिर एडल्ट की बात करें तो एडल्ट की बॉडी जो होती है उसके ऊपर क्या होती है सबसे पहले तो क्या है इसका जो कलर होता है वो शाइनी कलर होता है पूरा शाइनिंग के साथ ब्लू और ब्लैक, यानी या तो ब्लू कलर का होगा या ब्लैक कलर का बीटल होता है जिसकी बॉडी के ऊपर क्या है बहुत सारे स्पाइंस निकले रहते हैं। अभी डायग्राम आएगा आगे उससे आपको और कन्फर्म हो जाएगा, स्पाइंस निकले रहते हैं बॉडी के ऊपर। ठीक है, स्क्वायर लाइक बॉडी कैसी होती है स्क्वायर लाइक है ना, यानी कि चौकोर बॉडी होती है स्क्वायर लाइक दिखेगी आपको देखने पे। मैनी स्पाइंस ऑन बॉडी, बॉडी के ऊपर बहुत सारे स्पाइंस होते हैं यानी कि कांटे होते हैं जिससे क्या होता है ये ब्राइटन चमकता हुआ नज़र आता है, और इससे क्या है इसको राइस की क्रॉप क्या होती है ग्रीन कलर की, तो ग्रीन कलर में ये जो ब्लूइश चमकीला कलर है ये आपको आसानी से दिखाई दे जाता है अगर इसका डैमेज होता है फील्ड के अंदर। ये देखिए बात करेंगे तो सबसे पहले तो बात करते हैं, ये देखिए एक नॉर्मल छोटा सा लाइफ साइकिल बताया गया है। एगलिंग दिख रही है आपको, यानी कि ये जो लीफ है लीफ में टिप वाली साइड पे एगलिंग की जाती है, उसके बाद ग्रब प्यूपा और उसके बाद एडल्ट बनते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको ये क्या है इसका ग्रब है। अब दिखाई दे रहा है सबको ये जो लीफ है ना, एक मिनट में आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये जो लीफ है ना ये पूरी लीफ है। अब इस लीफ के अंदर ये जो बीच का पोर्शन है ये क्या करता है यहाँ से इसने स्क्रैप करना चालू किया है ना, तो बीच वाले पोर्शन को इसने खाया और यहाँ क्या है एक टनल बन गई पूरी। ठीक है,
एक टनल, टनल किसको बोलते हैं, सुरंग, मैं बार बार टनल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या है सुरंग, हिंदी में बोले सुरंग बनाएगा ये, ठीक है। इस सुरंग के अंदर क्या है, ये ऐसे स्क्रैप करके इसको क्या सुरंग बनाएगा, ये क्या है इसका ग्रब है, ठीक है, सुरंग बनाएगा और इसी सुरंग के अंदर बाद में क्या है ये प्यूपा में बदलता है, ठीक है। पता चल गया इसका नेचर ऑफ डैमेज कैसा होता है। चलिए अब बात करते हैं, ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये क्या है, लीफ है ना, लीफ है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, ग्रीन वाला जो पार्ट है इसको इसने पूरा फीड कर रखा है ना, क्लोरोफिल वाला जो पार्ट है इसको क्या है इसने फीड कर रखा है, इससे क्या है वाइट कलर की क्या है ये दिखाई दे रहा है, अलग से है ना स्ट्रिप सा अलग से दिखाई दे रहा होगा ये इतना पोर्शन जो है ना, तो ये क्या है वाइट कलर का, इसी वजह से दिखाई दे रहा है क्योंकि इसने क्या किया, इसका जो ग्रब है उसने इसको स्क्रैप करके फीड कर लिया और यहाँ पे क्या है इस पार्ट में क्लोरोफिल नहीं बचा, इसकी वजह से क्या है इसे वाइटिश कलर का नज़र आ रहा है ना। फिर बात करेंगे, ये देखिए ये फील्ड की अगर बात करें है ना, तो फील्ड में कैसा दिखाई देगा, ये देखिए दिख रहा है आपको छोटे छोटे क्या है ग्रब्स जो है वो प्लांट के ऊपर आसानी से दिख जाते हैं, ये दिख रहा है जो मैंने राउंड कर रखे हैं ये सारे क्या है इसके जो एडल्ट हैं ये एडल्ट भी वही काम करते हैं और वही क्या करते हैं इसके ग्रब भी, दोनों डैमेज करते हैं, दोनों टलन बनाते हैं, दोनों ही क्या करते हैं कि क्लोरोफिल को फीड करते हैं, तो इससे क्या होगा वाइट कलर के छोटे छोटे आपको धब्बे से दिखाई देंगे पूरे फील्ड के अंदर, ठीक है। अब बात करें इसके एडल्ट की, तो ये इसका एडल्ट है ना, मैंने अभी बताया आपको ब्लूइश कलर का क्या है शाइनी यानी कि चमकीला, इसको क्या है नीले रंग का होता है और स्पाइंस निकली रहती है बॉडी पे बहुत सारी, ठीक है, दिखाई दे रहा है इस कलर का होने की वजह से क्या है ये फील्ड के अंदर आसानी से दिख जाता है। चलिए ये भी इसके डैमेजिंग सिम्टम ही है, सेम ही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके जो लाइफ साइकिल है उसकी, है ना, तो इस लाइफ साइकिल में मैंने आपको बताया कोलियोप्टेरा है तो सिंपल सी बात है लाइफ साइकिल में कितनी स्टेज होगी, चार स्टेज होगी, कौन कौन सी, एग, ग्रब, प्यूपा और एडल्ट। एग की बात करें तो एग में क्या है 3 से 7 दिन लगते हैं आगे ग्रब में कन्वर्ट होने में यानी कि हैचिंग होने में, उससे 7 से 12 दिन बाद क्या है ये किस में बदलेगा प्यूपा में, और प्यूपा से 4 से 7 दिन बाद क्या है ये एडल्ट में बनता है, और एडल्ट में बनने यहाँ मैं बहुत बार कह रहा हूँ आपको, अगर ध्यान नहीं दिया हुआ पहले भी किसी बच्चे ने तो ध्यान रखना, ये जो 1 से 2 दिन आपको दिखाई दे रहे हैं ये इसकी एज नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत होना, यानी कि ये क्या है इसकी रिप्रोडक्शन, ये साइकिल की बात चल रही है इसके जो है ना साइकिल जो चलता है नई पीढ़ी जो स्टार्ट होगी, यानी कि रिप्रोडक्शन होने के 1 से 2 दिन बाद, जनन होने के 1 से 2 दिन बाद क्या है ये वापिस से एगलिंग स्टार्ट करता है, ये उसका टाइम है, ठीक है। सेकंड क्या है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, ये मैंने आपको बता दिया। लाइफ जो है इसकी वो क्या है 15 से 28 दिन के अंदर पूरी हो जाती है एक जो साइकिल है पूरा, और 2 से 6 जनरेशन इसकी पाई जाती है 1 साल के अंदर। फिर बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में क्या है सबसे पहले तो हैंड नेट, क्योंकि आपको मैंने बताया ब्लू कलर के बीटल्स होते हैं और उड़ते हुए आसानी से दिखाई दे जाते हैं फील्ड के अंदर, तो जो स्वाइप नेट जो होते हैं ना उनकी सहायता से इसको आसानी से पकड़ा जा सकता है। फिर है कट द टिप ऑफ लीव ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटिंग, यानी कि अभी आप ये क्यों मैंने अभी आपको बताया कि यही सेम चीज़ किसके अंदर करते हैं, जो राइस का जो अभी ने पढ़ा था ना स्टेम बोरर उसके अंदर भी यही करते हैं, यानी ट्रांसप्लांटिंग करने से पहले क्या करते हैं, मान लो ये लीफ है ना तो लीफ के टिप में जहाँ इसकी एगलिंग होते हैं तो हम क्या करते हैं ये इतना जो पोर्शन है इसको हटा देते हैं, चाहे उस पर एग हो नहीं हो हम क्या करते हैं लीफ की जो टिप वाला हिस्सा होता है उसको काट के अलग कर देते हैं, कब ट्रांसप्लांटिंग से के टाइम है ना, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद बात करें फोलियस स्प्रे की, तो ये कुछ केमिकल्स हैं क्विनोलफॉस हो गया, क्लोरोपायरीफॉस, मेलाथियन, कार्बेरिल, इनमें से ये दोनों तो क्या है लिक्विड में है ना, तो इसकी 1000 ml या इसकी 1.5 लीटर जो है 1500 ml जो क्वांटिटी है इसको 500 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके स्प्रे किया जाता है, और ये जो नीचे वाली आपको दोनों दिखाई दे रही है क्या है डस्ट है, मेलाथियन 5% है और कार्बेरिल 10% डस्ट है, इस डस्ट की क्या है 25 किलोग्राम जो मात्रा है प्रति हेक्टेयर की दर से इसको खेत में बुरकाव करते हैं। फिर बात करेंगे अगर बायोलॉजिकल कंट्रोल की, तो इसमें क्या है ब्रेकोन स्पीशीज जो है उसको यूज़ किया जाता है, ये जो पैरासाइट ये क्या है ब्रेकोन स्पीशीज जो होता है ये क्या करता है इसकी जो ग्रब स्टेज जो होती है ना लार्वल जो स्टेज होती है उसके ऊपर ये पैरासाइट के रूप में रहता है। चलिए ओके धन्यवाद, ये हो गया आपके राइस के कंप्लीट पेस्ट, ठीक है। इसके बाद शायद काफ़ी लंबी होगी आज की क्लास,
इसके बाद क्या है जो भी है एक एक क्रॉप करके हम बाकी बेस्ट भी पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।